हेलो फ्रेंड्स, तो मिले हैं हम कितने 6 दिन हो गए मुझे। इससे पहले मैंने 6 दिन पहले व्लॉग बनाया था। रेगुलर व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि क्लासेस के चक्कर में, मगर जब भी टाइम मिलता है तो कोशिश पूरी रहती है कि मैं व्लॉग बनाऊँ। और आज डे है सैटरडे, आज मेरी क्लास का भी ऑफ है। और अब बज चुके हैं दिन के क्या शाम होने वाली है, 5 बज रहे हैं, 5 बजने वाले हैं। तो मैंने सोचा शुरू करती हूँ कुछ कुछ बनाना। और वो भी चल रहा था कि साक्षी ने वो कितना बना लिया, पहले मैं वो दिखा देती हूँ कि साक्षी ने अपना वो ड्राइंग क्या पेंटिंग कितनी बनाई है, फिर मैं क्या बना रही हूँ ये भी आपको बता दूंगी। तो दिखाती हूँ मैं आपको साक्षी का। साक्षी दे बेटा तेरा, ले देना। आंखें दिखा रही है, बैठ के गुस्सा कर रही है, अभी इसकी दांत पिटी है हमारे। हाँ, दोनों लड़े हैं हमारे साक्षी और ये, इसलिए दोनों को गुस्सा आ रहा है। तो देखो दिखाती हूँ आपको इसने कितना बनाया फर्श पे रख के, एक बार दिखा देते हैं। तो देखो अभी ये इतना काम हो चुका है, ये सारा इतना हो गया है फेस का। साक्षी से ब्लेंडिंग नहीं होगी? नहीं होगी ब्लेंडिंग बेटा, तो इसमें ब्लेंडिंग वगैरह इन सब का नहीं होगी, नहीं ऐसे ही रहेगा ना। हाँ, ये बिना ब्लेंडिंग के ऐसे ही थोड़ा सा ऐसा वाला वर्क है, तो इसमें ऐसा ही रहेगा फेस में ये जो अरे हाँ अरे यार ठीक है। तो इसमें ये जो आप सोच रहे हैं जैसे अपन नॉर्मल जैसे नेचुरल फेस बनाया और उसमें ये मिक्स होता है, तो ये मिक्स नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। और इसको मैं एक बार ऐसे बता देती हूँ, देखो इसका लुक ये ऐसे आता है। अभी धीरे धीरे बना रही है, जब बना जैसे जैसे बनता जाएगा मैं आपको बताती आऊँगी। ये ऐसे, बाकी देखो मोबाइल में लगी पड़ी है साक्षी। रितिका को फ़ोन कर। और इसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि मैं क्या बना रही हूँ और किस पे बना रही थी। तो देखो ये कैनवास है, ये कितने उसका है, ये 12 इंटू उल्टा दिख रहा है रे यार, जो भी है 12 इंटू 16 इंचज़ का है ये, 30 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर का एक छोटा सा कैनवास है। जो मैं बच्चों को छोटा वाला कैनवास देती हूँ ना, ये बोल रहा है मैं इसको बता देती हूँ क्या बनाया है इस पर। ये देखो ये साक्षी ने काफ़ी टाइम पहले बनाया था, अभी सीधा कैसे है ये, शायद उल्टा है ना, सीधा है पता नहीं, सीधा कहाँ से उल्टा कहाँ से, हाँ ये उल्टा है। ये देखो ऐसे, ये ऐसे है। तो अभी पूरा नहीं बना और ये काफ़ी टाइम से ऐसा ही रखा, तो मैंने सोचा इसके ऊपर मैं कुछ दूसरा चीज़ बनाऊँ क्योंकि कैनवास क्या वेस्ट हो रहा था। तो मैंने सोचा इसके ऊपर कुछ बनाएंगे। और सबसे पहले मैं इसको पूरा करने के लिए सबसे पहले करूँगी, इसके ऊपर मैं करूँगी ये अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं, वॉल पुट्टी का कोड। ये देखो वॉल प्राइमर का मैं पूरा इस पर कर देती हूँ थिक कोड। पानी नहीं मिलाऊँगी इसको, एज इट इज़ यूज़ में लूँगी। तो बताती हूँ एक बार कैसे करना है। तो ये देखो जस्ट इसमें मैंने इसको डिप किया, सूखने लगा, अब ये भी बहुत ज़्यादा थिक हो गया। और इसका मैं पूरा एक लेयर इसके ऊपर ऐसे चढ़ा दूँगी, मस्त खुशबू आती है इसकी। साक्षी को भी हमारे है ना, साक्षी बोल रही है अम्मा इतनी मेहनत से बनाया था, मेहनत से क्या बनाया था, इसको आधा अधूरा छोड़ देती है फिर इसकी करने की इच्छा नहीं होती। तो मैंने बोला इसके ऊपर अब काफ़ी टाइम से भी रखा है तो कुछ और बनाते हैं। तो ये पूरा मैं ऐसे थिक थिक कोड इसके ऊपर ऐसे लगा दूँगी पूरा। तो ये तो ईजी है, ज़्यादा कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर टेक्स्चर देना होगा तो मैं इसमें ना ऐसे पैचेस वैचेस भी बना चल सकती हूँ, मगर मेरे को टेक्सचर नहीं देना है, मेरे को इसको एकदम प्लेन रखना है। तो मैं नॉर्मल ऐसा ये पूरा कोड इस पूरे वाले प्राइमर पे करके फिर आपसे मिलते हैं जब ये सूख जाएगा उसके बाद में। बोलो। तो देखो इतना तो मैंने ये कर दिया, इसमें अभी भी दिख रहा है, मगर जो मैं पेंटिंग बनाऊँगी वो बनेगी थोड़ी सी डार्क, तो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। अगर मैं इसको लाइट कुछ बना रही होती ना तो फिर इसमें मैं एक कोड और चढ़ाती। अभी मुझे इस पे बनाना है, जो भी बनाऊंगी वो डार्क बनाऊंगी, तो ये अगर नीचे का कलर दिखेगा तो भी चलेगा इसमें। तो ये हो चुका है हमारा एक वॉल प्राइमर का इस पे पूरा कोड। तो अब हम इसको रख देते हैं सूखने के लिए। असल में पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। चल बंद कर उसको, बाय बाय फ्रेंड्स, लाइक दीजिए फ्रेंड्स। तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैंगो काट रहे ये स्प्राउट्स में से काले चने अलग निकाल रहे क्योंकि इसको उनकी सब्जी खानी है। और ये इसके पापा के लिए बनेगा, ये स्प्राउट्स बनेंगे और वो काले चने की सब्जी बनेगी। तो ये सेल्फिश लोग अपने अपने अलग अलग निकाल रहे हैं, ये मम्मी का काम नहीं कर रहे ना। मैं कहाँ खाऊंगी बेटा, तो ये अलग अलग निकाल रहे, देखो कब अलग निकालते हैं, फटाफट से करो। अरे यार रोएगा।
तो हो चुका है हमारा सेटअप तैयार। और देखो इसमें अभी भी वो ब्लैक का दिख रहा होगा, और कल मैंने बताया था कि अगर इसमें ब्लैक दिख रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज़ जो बनाऊंगी वो थोड़ा सा डार्क बनने वाला है, बैकग्राउंड ब्लैक होगा इसका, तो इतना या असर नहीं पड़ने वाला है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इस पे हम बनाने जा रहे हैं एक बुद्धा। बुद्धा भगवान भी है ना, मतलब अलग स्टाइल में बनाएंगे, जो नॉर्मल कलर होता है वो कलर ना करके। इनके कलर की वजह से ही मैं ये वाले जो बुद्धा भगवान है ना, इनको बना रही हूँ। इनका कलर मुझे अलग सा शो करना है, तो एक काम कर लेते हैं, क्योंकि जब अपन पूरी वीडियो में बनाते हैं तो ये वीडियो क्या बहुत ज़्यादा हो जाता है लंबा। तो पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ इनको पूरा, फिर आपको बताती हूँ। तो एक बार पहले मैं पूरा ड्रॉ कर लूँगी, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। देखो इसके साथ ये है कि इजीली इरेजर से रब भी हो रहता है। अरे इरेजर कहाँ भाग गया हमारा। हाँ, फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ मिस्टेक कोई बहुत हल्का बना है इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये इजीली इरेजर से रब भी हो जाता है। कैनवास पे हम रब करते हैं तो ये क्या पूरा कैनवास काला काला हो जाता है, मगर जैसे मैंने इस पे ये वॉल पुट्टी का कोट किया है ना, तो ये ब्लैक भी नहीं होता, एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से अच्छे से साफ हो रहा है। तो चलो ठीक है, एक बार इसको थोड़ा बहुत बना लेते हैं, फिर आपके सामने बताते हैं कि मैंने इसको कितना बनाया। अब यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो उसको रब कर लेते हैं। तो देखो अभी हमने इतना बना लिया, ये देखो इतना, ये हमने जूड़ा बना लिया इनका, और बाल, और ये बना दिए कान, ये इतना। मगर हो क्या रहा है, हमने ये वाली जो पेंसिल ली उसमें लीन है और ये बहुत रफ सरफेस है, तो ये पेंसिल की जो लिड है ना बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो रही है। तो हम हमारे पेंसिल बॉक्स में से दूसरी पेंसिल ले लेते हैं, नॉर्मल पेंसिल। इसमें नॉर्मल पेंसिल नहीं है, शायद है, मिल गई, एक नॉर्मल पेंसिल ले लेते हैं, फिर इसको वापस से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारे हो गए हैं अब ये बुद्धा जी की बनके तैयार। कैनवास पे कुछ भी कर लो, एक धीरे धीरे करके इतना काला हो जाता है बनके, और इरेजर का कचरा भी इतना हो जाता है, बहुत सारा कचरा ही कचरा। तो पहले इस पूरा क्लीन कर लेते हैं ये सारी टेबल वगैरह, फिर हम स्टार्ट करेंगे अब कलरिंग। और पूरा ये देखो, यहाँ नीचे लोटस बना है और ये ऐसे। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड है ना, ये पूरा ये बैकग्राउंड, मतलब बुद्धा जी के अलावा ये वाला पार्ट हम सारा कर देंगे ब्लैक। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया 12 नंबर का ब्रश और ब्लैक एक्रेलिक पेंट। ये साक्षी इसका मतलब क्या होता है बेटा? अरे, और जब हम यहाँ कलर करेंगे तो साथ के साथ ही इसके एच पे भी मैं कलर करती जाऊँगी एक साथ ही, तो ये क्या लगे हाथ, इसका काम भी कंप्लीट होता जाएगा ये एजेस का भी। तो एक बार ये पूरा कर लेती हूँ, इजी है, इतना कोई टफ नहीं है, बस ब्लैक का काम करने के बाद फिर आगे क्या करेंगे वो बताएंगे। जब अपन यहाँ आते हैं ना साइड में, तो थोड़ा सा हमको है ना अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या फ्लो फ्लो में वो अंदर भी कलर चला जाता है। बाहर की तरफ तो अपनी स्पीड यहाँ सही रखिए, मगर जैसे ही आपको लगता है कि हम अपने ये ड्रॉ करे हुए पार्ट के पास में आ गए हैं, तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या जल्दबाजी में वो कलर अंदर भी चला जाता है। अब बैकग्राउंड हो गया हमारा सारा का सारा, एज वगैरह पे देखो हमने कर लिया है पूरा ब्लैक। अब हम करेंगे पूरे पे ग्रे, सिर्फ ये लोटस को छोड़ देंगे, बाकी पूरा हम कर देंगे ग्रे। ग्रे कलर हमने बना के तैयार कर लिया है। जब ग्रे कलर बनाते हैं, देखो मैंने बना लिया है ग्रे कलर अपना, ये
ग्रे कलर में 3/4 पार्ट होता है वाइट कलर का, और 1/4 पार्ट, 1/4 से भी कम पार्ट होता है इसका ब्लैक कलर का, तब जाके एग्जैक्ट ये ग्रे कलर बन जाता है। अब फटाफट से एक कोड हम कर देते हैं ग्रे कलर का। देखो इतना लाइट शेड चाहिए हमें ग्रे कलर का, इतना लाइट शेड। कुछ नहीं करना है, फ्लैट नंबर का मैंने ये ब्रश लिया है और इसी से फटाफट से पूरा ये कोट करके मैं घुमा देती हूँ। तो देखो इस तरीके से हम ये पूरे पे कर देंगे ग्रे कलर। इवन आईज नोज इन सब को ही हम कवर करेंगे, बस थोड़ा बहुत इतना रखेंगे कि दिखे, नहीं तो क्या वापस से मेहनत करनी पड़ जाएगी सारी की सारी। तो कोशिश ये करूँगी थोड़ा बहुत ही दिखे, नहीं दिखेगा तो बाद में ड्रॉ कर लेंगे। तो चलो पहले पूरा ग्रे कलर कर लेते हैं। अभी ग्रे कलर कर दिया पूरा, फीचर्स वगैरह दिखना अब इसमें बंद हो गया, तो मैं क्या करूँगी वापस अपनी पेंसिल्स लेके वापस इसके ऊपर ड्रॉ करके पूरा वापस बना लेंगे। ड्रॉ हो जाता है इसमें इजीली और रब भी हो जाएगा आराम से, अगर कहीं बाय चांस कोई मिस्टेक हुई तो वो रब भी हो जाएगा। देखो ईजिली ड्रॉ हो गया, देखो दिखाती हूँ यहाँ से आपको ऐसे। तो पूरे फीचर्स वगैरह हम एक बार वापस से कर लेंगे ड्रॉ, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है उसके ऊपर, थोड़ा सा चलाते रहेंगे ना तो हमको पता चलता रहेगा। देखो ऐसे। तो अब देखो स्नेल हमने कितने बना दिए हैं, ये जो बालों का ऐसे, और जो बीच बीच में से ये बीच में स्पेस बची है उसको मैं साथ के साथ ही, ये देखो ये जो दिख रही है ना, मैं आपको ऐसे पास से दिखाती हूँ, ये इसको मैं ब्लैक भी करते जा रही हूँ, और मैंने यहाँ भी ये सारा पार्ट ऐसे ब्लैक कर दिया है। अब देखो बना कैसे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे सर्कल्स बना रहे हैं, 3 सर्कल्स बना रही हूँ, बड़ा छोटा और उसमें छोटा, ठीक है। उसके बाद जो ये स्पेस बच जाती है उसको उसी समय फिल करती जा रही हूँ। अगेन मैंने ऐसे बनाया, इसकी आउटलाइन में इतनी फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं है कि हमको एकदम इक्वल चाहिए, कैसे भी थोड़ा कहीं पतला कहीं मोटा, कहीं अंदर का सर्कल फिल हो जा रहा है कहीं छूट रहा है, तो उस अकॉर्डिंग ये ऐसे ही इसमें चलेगा एकदम, मतलब ज़्यादा फिनिशिंग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखो इतना, अब मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा पार्ट बना देती हूँ। तो और ऐसे ऐसे करके ये देखो ऐसे ऐसे, और ये सारा ही वाला काम कर रही हूँ मैं 000 नंबर के ब्रश से, 000 नंबर का राउंड ब्रश। आप इसमें 1 नंबर का ब्रश भी यूज़ में ले सकते हैं, 000 और 1 से ज़्यादा बड़े लेंगे तो क्या होगा, ये थोड़े सर्कल्स मोटे मोटे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलो इतना काम मैं एक बार कर लेती हूँ, फिर इस इतना काम हो जाने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमको अब क्या करना है। तो देखो ये आ जाता है कॉर्नर, कॉर्नर में मैं थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे फिल कर देती हूँ इतना। तो मैं पूरा बना लेती हूँ एक बार। तो देखो अब हमारा ये मैंने क्या पार्ट कर लिया, ये सारा हो गया अभी तक कंप्लीट, ये सारा ऊपर बालों का ग्रे कलर से। अब मैं करूँगी फेस का काम। फेस पे मैं क्या करूँगी, वाइट और ब्लैक कलर का पहले कलर तैयार कर लेती हूँ अलग अलग, एक ही ट्रे में लूँगी मगर उसको लूँगी सेपरेट अलग अलग। तो थोड़ा सा हम ले लेते हैं पहले वाइट कलर। अरे यार खुली नहीं रहा, तो देखो हमने वाइट कलर तो ज़्यादा लिया है और ब्लैक कलर लेंगे जस्ट इतना। देखो आपको मेरे इस ब्रश के टिप पे दिख रहा होगा जस्ट इतना, तो ये क्वांटिटी रखी है, ये वाइट और ये हुआ ब्लैक, दिख रहा है आपको कितना है ये, ठीक है।
और ये देखिए ये ब्रश ऑलमोस्ट है मेरा, कितने नंबर का होगा, मे बी ये 18 नंबर का ब्रश होगा, ठीक है। और अब मैं क्या कर रही हूँ, ये ब्रश के ब्रिसल आप देख रहे हैं, ये बहुत ही पुराना ब्रश है। जब ब्रश बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है तो इसके ब्रिसल ऐसे रहते हैं एकदम फ्रिजी, और ये ब्रश फिर होता है अपने टेक्स्चर के काम में बहुत अच्छा यूज़ में आता है कि टेक्स्चर देने के काम में। अब देखो मैं इस दोनों कलर में से क्या करूँगी, ब्लैक को मैं थोड़ा सा हटा लूँगी, यहाँ से हटा लिया, अब मैं इसको वाइट पर रखूँगी, और इसमें आ गया है वाइट और ब्लैक का टेक्स्चर, ठीक है। अब हम टुकड़े को कर लेते हैं साइड में, और यहाँ हमारे बुद्ध भगवान को रख दिया है, और हम कैसे इसमें अब टेक्स्चर देते हैं ये देखिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले करना, वापस मैंने एक बार इसको टैप टैप कर लिया है, अब करेंगे यहाँ। अगर ब्लैक आपको ज़्यादा लगे तो इसमें वाइट कलर करके इसको वापस, अभी देखो अभी क्या हो रहा है, जो भी चीज़ देना चाह रही हूँ वो नहीं आ रहा है, इसमें पूरा आ रहा है ग्रे ग्रे ज़्यादा आ रहा है, तो अभी मैं इसको वापस से वाइट में ज़्यादा डिप करके फिर इसमें पैचेस देना स्टार्ट करूँगी। अब ये मुझे इतना चाहिए, ये जितना तक ग्रे आ रहा है ना इतना चाहिए, तो चलो हम कर देते हैं पैच पैच का काम करना स्टार्ट। ये ऊपर भी थोड़ा चला गया तो कोई टेंशन नहीं है, बाद में हम फिनिशिंग दे देंगे, मगर हमको पैच का काम एक बार प्रॉपर तरीके से करना है। इसमें मैंने कोई पानी मिक्स नहीं किया है बिल्कुल भी, इसमें हमने पानी नहीं डाला है, और ऐसे टैप टैप करके हम पूरे फेस में कर देंगे, और हल्का फुल्का कहीं कहीं हम ब्लैक भी डालते जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3 कलर का शेड, ब्लैक वाइट और ग्रे ऐसा शेड आएगा। और ये सेम चीज़ हम यहाँ कर देंगे वापस से, और ऐसे ही करके हमको ये सारे के सारे पैचेस इसे बना देने हैं। तो ये देखिए इसमें क्या होगा, जब हम ये करते हैं ना तो हमारा ये जो आईज नोज के ये जो डिज़ाइन वगैरह बनाई है ये थोड़ा बहुत ढक जाएंगी, उसे हमें वापस से बनानी पड़ेगी। ये आईज नोज मुझे क्या 3 बार बनानी पड़ गई, एक बार जब मैंने इस पर ग्रे कलर किया, एक बार फर्स्ट टाइम पे पहले जब बनाई थी जब मैं इसको ड्रॉ कर रही थी तब, सेकेंड टाइम जब ग्रे कलर कर लिया था तभी भी मैंने आपको पता है कि इसके ऊपर किया था ये वाला काम, आउटलाइनिंग का काम वापस से। अब शायद मुझे वापस करना पड़ेगा इसके ऊपर, बिकॉज इसके बाद ये कि दिखना बंद हो जाएगी, तो चलो कोई ना, ये पहले हम इसको पूरा से भर देते हैं, इतना हो गया। अगेन देखिए वापस से ब्लैक इतना रिस्की कलर होता है कि वो थोड़ा सा लेने से ही पैच भी इसके सारे कवर हो जा रहे हैं, तो मैं इसको वापस से एक बार वाइट ऊपर से डाल के इसको हल्का फुल्का वाइट का इफेक्ट दे देती हूँ। सेम ये चीज़ मैं करूँगी कान में भी, लोटस को छोड़ के हमें सब जगह ही ये काम करना है। ऐसे जहाँ आपको लगे ब्लैक कम दिख रहा है वहाँ थोड़ा सा बहुत ब्लैक भी डाल देना। तो चलो ठीक है, इतना मैं ये पूरा इधर भी बना के फिर आपके साथ बताती हूँ। ये एक चीज़ हमें नेक पे भी करनी है यहाँ। अब देखो ये सारे तो हमने पैचेस डाल दिए थे, ऐसे देखो दिख रहा है, और मोबाइल हिल गया, ये सारे ऐसे पैचेस में डाल दिए। अब क्या कर रही हूँ मैं, ये लोटस की पहले मैं आउटलाइन कर दे रही हूँ ये सारी की सारी, फिर आइस वगैरह की, देखो आइस वगैरह पूरा का पूरा इसमें छुप गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है, देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है, वापस से बनाना पड़ेगा। अब सोच रही हूँ पहले बना के टाइम वेस्ट किया, बनाना ही नहीं चाहिए था मुझे, एक साथ बाद में बना लेती, दो बार बनाया फिर दो बार वो छुप गया, चलो वापस एक बार। अगर आप ये बना रहे हैं तो ये जो फीचर्स हैं बाद में ही बनाना, पहले बनाने की गलती ना करें, नहीं तो क्या बाद में मेहनत हो जाएगी। तो ऐसे करके हम पूरे लोटस के पहले बना देते हैं बाहर बाहर से आउटलाइन, अंदर की करेंगे मगर बाद में, मगर अभी हम कर रहे हैं सिर्फ बाहर की, और थोड़ी सी मोटी। के लिए मैं तो क्या 000 नंबर का ब्रश यूज़ में ले रही हूँ, क्योंकि मेरे को सभी बाहर यही रखा था तो मैं इसी से बना रही हूँ,
हमको मोटी लाइन बनानी है, तो आप ऑलमोस्ट इसको एक और दो नंबर के ब्रश से भी बना सकते हैं। ये अब मैं इस पूरे ऐसे लोटस की पेटल्स को पूरा मैं आउटलाइन कर दूंगी। ये देखो ऐसे इस वाले की भी करेंगे ऐसे ही। अब देखो हमने लोटस की आउटलाइन तो कंप्लीट कर ली है सारी, इधर देखो है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो बाल के ऊपर यहाँ जो किया था, इधर आप देखेंगे जब हम पैचेस बना रहे थे तो अनइवन टोन आ गया। ये देखो ये मतलब ये कैसे बताऊँ, ऊपर करके बताती हूँ, ये कलर इसमें भी चला गया। तो हम क्या करेंगे, अब जस्ट मैं ये ब्लैक कलर का काम इधर करूँगी सारा का सारा घुमा के। एक बार आपको बता देती हूँ कि मैं किस तरीके से करूँगी। तो ये देखो कुछ नहीं, ब्लैक कलर लिया है, उसके नीचे नीचे मैं ये हल्के से कर्व बना दे रही हूँ, ये ऐसे ऐसे करके मुझे पूरा ये यहाँ से घुमा के यहाँ तक लेना है, जिससे इसमें काम में फिनिशिंग भी आ जाएगी और ये लगेगा भी बहुत अच्छा। तो इसको हम ऐसे करके ऐसे पूरा घुमाते हुए ये यहाँ तक लेंगे, जितनी जितनी भी फिनिशिंग ख़राब हुई है वो सारी सही हो जाएगी वापस से। कहीं ये ब्लैक ज़्यादा हो सकता है, कहीं ये ब्लैक कम हो सकता है, सही लगेगा। ऐसा नहीं कि इक्वल लेना है, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। कहीं ज़्यादा ब्लैक ले लीजिए, फॉर एग्जांपल कहीं गैप ज़्यादा रहेगा, कहीं गैप कम हो जाएगा, वो अच्छा लगेगा इसमें, अच्छा लगेगा, इट मीन्स नेचुरल लगेगा ऐसे। तो इतना सा और कर लेते हैं। अब होगा क्या, अगर हम नॉर्मल पेंसिल से इसमें ड्रॉ करेंगे तो वो क्या बिल्कुल दिखेगा नहीं, क्योंकि ये तो बहुत वो होता है, क्या बोलते हैं, चिकना होता है, मतलब चिकना है इन द सेंस, मतलब प्लास्टिक पेंट है। तो इस पर देखो आपको शाइन भी दिख रही होगी, और इस पर कुछ भी हम ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ होगा नहीं, ड्रॉ हो भी जाता है तो रब नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने स्केच पेन यूज़ में लिया है। स्केच पेन थोड़ा सा रिस्की होता है, बिकॉज एक बार ड्रॉ हो गया तो फिर उसे रब करने के चांसेस नहीं रहेंगे। मगर इसका रब करने का भी एक सॉल्यूशन मैंने निकाला है, देखो जहाँ मिस्टेक होगी फिर मैं आपको बताऊँगी कि रब करने का सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले हम इनका फोरहेड का वो जो तिलक या जो भी कह लो वो सेंटर में होता है डिज़ाइन, वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम वो बनाते हैं। देखो स्केच पेन भी बहुत हल्का दिख रहा है, इसके अंदर दिख ही नहीं रहा है। और कोई हाँ, अभी मैं आपसे क्या कह रही थी, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको हम कैसे इरेज करेंगे, इसका आइडिया ये है कि आप करके बताती हूँ, आपको ऐसा समझ में नहीं आएगा। आप देखो पहले मेरी मिस्टेक तो हो, उसके बाद ही मैं आपको बताऊँगी कहाँ। देखो अब ये वाला पार्ट है, इसको जहाँ मिस्टेक होगी तो मैं इसका करेक्शन कैसे करूँगी वो मैं भी आपको बता देती हूँ। इतना तो हमारा ये बन गया। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक बार लिप्स कि ये थोड़ा सा मोटा हो गया है, एक बार देखती हूँ दूर से तो ठीक ही लग रहा है। यहाँ से मुझे पतला करना चाहिए क्या, ये सोचूँ यहाँ से यहाँ, नहीं ये अभी भी ठीक ही लग रहा है। अब देखो अब आईब्रोज बनाते हैं, होल्स बना लेते हैं पहले। यहाँ जो होल्स होते हैं सबसे पहले हम यहाँ कर देते हैं होल्स का काम। मिस्टेक अभी भी नहीं हुई है, मिस्टेक जैसे ही होगी मैं आपको बताऊंगी कि रब कैसे करना है। ये बना दिए हमने होल्स, ध्यान रहे कि दोनों सिमिलर ही दिखें, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है। अभी भी ठीक ही चल रहा है यहाँ तक हमारा काम। अब यहाँ भी हमको बनाना है डिज़ाइन, ये यहाँ ये ऐसे करके अंदर की तरफ लिया इस पैटर्न को मैंने, और
यहाँ भी ले लेते हैं। अब ऐसे ही मैं आईब्रो वगैरह बना लूँगी, जहाँ मिस्टेक हुई मैं आपको बता दूँगी कि मैंने इसको रब कैसे किया। तो देखो इतना कंप्लीट हो गया। अब मैं सोच रही थी कहीं गलती हो जाए तो मैं उसको रब करके आपको बता दूँ, मगर वो कहीं गलती हुई नहीं इसमें। बाकी आज पहली बार हुआ कि मैं सोच रही हूँ कि कहीं मिस्टेक हो जाती है, मगर वो मिस्टेक हो ही नहीं रही थी और ये तो परफेक्ट बन गया। नहीं तो मिस्टेक हो जाती तो मैं क्या करती, कपड़े को थोड़ा सा वेट करके उससे किसी उसको इरेज कर देती, ऐसे रब कर देती तो ये क्लीन हो जाता है उतना पार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, ब्लैक आउटलाइन वापस बना लेते हैं। ये जितना भी स्केच पेन का काम किया है ना, इसके ऊपर हम करेंगे एक बार की वाइट लाइंस, ब्लैक लाइंस। बिकॉज़ क्या होगा, अगर मैं इसके ऊपर जो मैं कलर करना चाहती हूँ वाइट कलर करूँगी तो ये क्या स्केच पेन का ये जो मार्क है ना वो क्या फैला देगा उसको, ब्लैक कलर को वाइट कलर के अंदर आ जाएगा। इसीलिए क्योंकि वो होता है एक तरह से वाटर कलर ही होता है स्केच पेन भी, उसका पानी, उसको अगर आप पानी में डिप करें तो पूरा फैल जाता है उसका कलर। तो हम क्या करेंगे, इसको वाटरप्रूफ बनाने के लिए, इन लाइनों को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक्रेलिक पेंट चलाएंगे। ये जो जो हमने मार्क किया है ना इन सब के ऊपर। तो देखो सबसे पहले तो मैं ये मोटा मोटा काम कर लेती हूँ, ये वाला इसको ब्लैक फिल करना है, इनके कान के होल्स को और इनको, तो ब्लैक फिल कर देते हैं। और ये मैं काम कर रही हूँ टू नंबर के राउंड ब्रश से। उससे पहले हम इसको, इस वाले होल को फिल कर देंगे। और ये ध्यान रखिए कि ये होल और वो होल सिमिलर हो, और ये जो लाइन दिख रही है आपको उसको सिर्फ ब्लैक आउटलाइन बना देंगे मोटी वाली। क्योंकि बुद्धा जी के आपने भी नोटिस किए होंगे कि ये जो होते हैं होल्स काफ़ी बड़े होते हैं, बड़े मतलब बहुत ज़्यादा इनका छेद बड़ा होता है कान के इयररिंग का, तो कान के होल्स का क्या बोलती हूँ मैं भी यार। और अब हम बना देंगे ये वाली लाइन भी, इसके अंदर हम फिल नहीं करेंगे, इसको हम जस्ट ऐसे ही रखेंगे ऐसे। तो देखो हमने इतना काम कर लिया है कान का, नेक का, यहाँ से ये वाली लाइन हमने मोटी रखी है। ये मुझे बहुत कम लग रहा था तो मैंने क्या किया इसका ये थोड़ा सा डिज़ाइन आगे बढ़ा दिया है और प्लस एक लाइन नीचे खींच दी, इसका क्या लुक भी अच्छा आ गया है। देखो ऐसे अच्छा लग रहा है। अब हम करेंगे आईब्रोज का काम। और तो बारिश के मौसम में क्या होता है, ये सूखता भी नहीं है ना, तो थोड़ा चिपचिपा चिपचिपा सा लगता है ये कलर इतनी जल्दी है। तो सबसे पहले हम कर देते हैं आईब्रो का काम, और बाकी की वीडियो मैं कल बनाऊंगी क्योंकि अब हो चुका है शाम, अब मुझे करनी है खाने की तैयारी। पौधों में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बारिश बारिश अच्छे से आ रही है, तो पौधों के पानी की टेंशन नहीं है। तो उसका सेकंड पार्ट मैं कल डाल दूँगी, आज सैटरडे संडे में इतना ही हो पाया ये। हुआ तो उसको कल कंप्लीट करके मैं इसका सेकंड पार्ट कल डाल दूँगी, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगी ये। अब यहाँ का काम भी कर लेते हैं। ड्राइंग का काम या किसी भी चीज़ का काम एक ऐसा काम होता है कि आपको पेशेंस से करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ड्राइंग क्लास में हमारे बच्चों को क्या जल्दबाजी बहुत होती है कि जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, इवन उनके पेरेंट्स को भी बहुत जल्दबाजी होती है। कोई कोई होते हैं बच्चे बहुत पेशेंस से बनाते हैं आराम से, और कोई कोई एक दिन में कम्प्लीट हो जाए दो दिन में कम्प्लीट हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। एक दिन और दो दिन का मतलब ये होता है कि ऑल ओवर एक घंटा, इतने सारे बच्चे होते हैं और वो एक घंटा भी नहीं होता है, वो तो मुश्किल से एक बच्चे को मैं बहुत कम टाइम दे पाती हूँ क्योंकि और बच्चों को भी टाइम देना होता है। तो पॉसिबल नहीं होता है कि आपकी ड्राइंग एक दिन में कंप्लीट हो जाए, ये दो दिन में या तीन दिन में। अगर आप अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे तो तीन दिन चार दिन लगेंगे ही लगेंगे, और उससे भी बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो वो दिन और आगे खींच सकते हैं आराम से। डिपेंड करता है आपकी ड्राइंग के ऊपर कि आप कैसा बना रहे हैं। मैं फटाफट से ये बना के ख़त्म करती हूँ क्योंकि अब हम खाने की तैयारी में लगेंगे।
तो ऐसे करके हम बना देंगे पूरी आउटलाइन, डन कर देंगे। तो देखो अभी इतना बन गया, अब हम उठते हैं, बज चुकी है घड़ी में 7, काफ़ी टाइम हो गया है। देखो इतना बन गया है, अब इसमें शेडिंग वगैरह देनी है, लोटस का काम करना है, फेस का काम करना है, बहुत सारा काम इसमें अभी बाकी है। तो अब हम करेंगे इसको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट। चलो इसी के साथ इस ब्लॉग को हम ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगे।